सलाम नमस्कार सत श्री अकाल। मैं जगतार सिंह पुरी अपने वायदे के मुताबिक लेके आया हूँ यहाँ पे लोगढ़ की वैली के पास। ये रास्ता है, एक मैंने बताया दो रास्ते हैं, एक मैं ऊपर दिखाऊंगा आपको। ये दूसरा रास्ता है नदी नदी से जाने वाला, और जो मैंने चश्मा दिखाया था वो साफ पानी का, वो जो एक आपको होल दिखाई दे रहा है उसका बिल्कुल सामने लगभग 100 फुट पे, मैंने पहले 100 गज बोल दिया, 100 फुट पे लगभग वो निर्मल पानी का चश्मा है, जहाँ से बाबा बंदा सिंह बहादुर जी जो और उनकी फौज पानी इस्तेमाल करते थे। अभी मैं उसके उद्गम पे लेके आया हूँ आपको। ये देखिए, ये बांध जो है 1995 के बाद बनाया गया, ये हरियाणा गवर्नमेंट ने 1995 के बाद। ये नगारा पहाड़ी है जिसको मैं नगारा बता रहा था आपको, नगारा पहाड़ी है ये बिल्कुल इसके पास। और यहीं देखिए, ये उस चश्मे का उद्गम स्थल, ये जो है 1995 के बाद ये डिग्गी टाइप बनाया गया, कुआं टाइप, अरब चश्मे का पानी इसमें इकट्ठा हुआ, और वो चश्मे के पानी से यहाँ से एक गांव में वो पाइपलाइन जाएगी, जो मैं आपको बता रहा था वहाँ दिखाया था चश्मे में पाइपलाइन है, ये है। लेकिन जो दुर्भाग्य ही हमें कहूँगा, जो ऐतिहासिक स्थानों को हम मलिया मेट करते हैं, एक यहाँ पे सेवादार था हमारा, लोकल ही था, जिला यमुनानगर का, उसने यहाँ पे सेवा करते हुए किया कि मेरे आगे भी जनरेशन कामयाब रहे, तो ये कुछ ऐसा कर दिया, या फिर भी वो मिटा नहीं सका इसको। ये आप देख रहे होंगे रंग जो है पीले रंग का, यह उसी टाइम का लगवा सन 95 के बाद जब ये बना, ये इसका पानी लेके गए लेकिन वो पाइपलाइन से वो कामयाब नहीं हुआ, तो ये पाइप टूट गई वहाँ से, वो मेरा चश्मा आपको दिखा दिया। और ये बिल्कुल नदी के बिल्कुल पास में है, देखिए कितना गंदा पानी है, और इस चश्मे का पानी यहाँ गुरुद्वारा साहब का लंगर है, ये लंगर हॉल दिखाएंगे आपको, यहाँ पे जाता है और यहाँ पे यहीं पे चश्मा जो है फूटता है वो, तो आप देखिए कुदरत का कमाल। ये सारी पहाड़ियाँ हैं और बहुत मजबूत पत्थर, ये बनाया था डैम, बनाया था ना आगे बंद लगाया था, तो ये जो है आपको दिखा देते हैं यहाँ पे वो डिगी, और ये ऐसे, तो यहाँ पे बहुत माया की ज़रूरत है, ताकि यहाँ पे जो सेवादार